सो पब्लिक हो जाओ तैयार, कल के दिन आने वाला है सीजन कोल्ड स्नैप का अपडेट। बट इस वीडियो के अंदर सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ऑफिशियल पैच नोट से लेकर बैटल पास का फर्स्ट लुक, सीजन स्टोर का फर्स्ट लुक एंड और भी काफी सारी चीजें। फुल वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी से कह रहा हूँ। पर सबसे पहले चीज की तरफ बड़े जैसे की देख सकते हो, आज के दिन गेम के अंदर आ चुका है एक 20-30 MB का अपडेट आया गेम के अंदर। एंड इस अपडेट के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस इन्होंने लिखा है कि कल के दिन से जैसे ही अपडेट यहाँ पर लाइव हो जाएगा आप लोग को गेम के अंदर आप लोग के मेल बॉक्स के अंदर कुछ यहाँ पर डाउनलोड के यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कुछ 5 Apex packs मिलेंगे। तो ये चीज तो छोड़ो, अब मैं आप लोग को मेन चीज यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हो ऑफिशियल पैच नोट्स यहाँ पर कल के दिन रिलीज कर दिए गए ऑफिशियल्स की तरफ से। एंड यहाँ पर इन्होंने जो मेन चेंजेस है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले है फ्रस्ट्रेशंस अराउंड द रैंक्ड सिस्टम, उसके बाद है हाउ बैंस आर हैंडल्ड टू नॉर्मल मैचेस, मैच मेकिंग ऑप्टिमाइजेशंस, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस फॉर डिवाइसेस एंड सर्वर्स। यार यही तो चाहिए अपन, यही तो मांगता है। तो ये चीज इन्होंने हमारी सुन ली है। एंड यहाँ पर इस अपडेट के अंदर मेजरली इन्होंने फिक्सेस के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया है। बट शायद ऐसा भी मत सोचो कि खाली फिक्सेस की है, यहाँ पर हमें सारा कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है। सबसे पहले चलते हम लोग अपने बैटल पास के फर्स्ट लुक की तरफ। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये रहा हमारे बैटल पास का फर्स्ट लुक। एंड दोस्तों काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है। आप पीछे की थीम देख सकते हो, यहाँ पर क्लाइमेटाइजर का एरिया रहने वाला है, तो ये पीछे की बैकग्राउंड रहेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग बैटल पास में देख लेते हैं। सबसे पहले लेवल 1 के अंदर हमें देखने को मिलता है लोबा का पीस कार्ड। जैसे कि देख सकते हो ये वाला पीस कार्ड की लीक मैं आप लोग को काफी पहले दिखा चुका हूं, एंड पहले से ही वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि लोबा अगर आपको अनलॉक करनी है सेम प्रोसेस होने वाला है। जैसे कि देख सकते हो पैच नोट्स के अंदर इन्होंने लिख भी दिया है कि आप लोग को 25 लेवल तक लोबा के पीस कार्ड्स कलेक्ट करने हैं एंड आप लोबा को अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद इस बैटल पास के अंदर फाइनली आप लोग को 800 यहां पर सिंडिकेट कॉइंस बैक मिल जाएंगे जैसे आप अपने लेवल को मैक्स कर लोगे। उसके बाद यहां पर आप इसकी एंड डेट देख सकते हो, 13 जुलाई रहने वाली है। ऐसा समझ लो बस एक महीने का ही बैटल पास रहेगा, 13 जुलाई को ये एंड होगा। उसी के साथ यहाँ पर आप रिवॉर्ड्स की तरफ अगर हम लोग नजर डालें तो हमें लेवल 50 पे मिलने वाली है ये ऑक्टेन की यहाँ पर आइस ब्रेकर वाली स्किन, यार काफी ज्यादा सही है। उसके बाद लेवल 1 पे आप लोग को ब्लड हाउंड की लेजेंडरी स्किन मिल जाएगी। यार मैं इस बार कह सकता हूँ ये बैटल पास पूरा वर्थ इट रहने वाला है, तो अगर खरीदने की सोच रहे हो जरूर से यार ले सकते हो। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सीजनल स्टोर की तरफ। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये रहने वाला है हमारे सीजनल स्टोर का फर्स्ट लुक। एंड आप लोग को अभी यहाँ पर सुनने में आ रहा होगा कि कई बंदे बोल रहे हैं कि ये सीजन 2 होने वाला है, तो आप लोग का भाई पहले से बोल रहा है कि ये सीजन 1.5 होने वाला है। तो उसका प्रूफ आप पीछे की तरफ देख सकते हो, लिखा हुआ है Apex Legends Mobile सीजन 1.5, तो आप लोग का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। एंड यहां पर आप इसका यार थीम देख सकते हो, पूरी ब्लूइश रहने वाली है। एंड यहां पर आप रिवॉर्ड्स की तरफ नजर डालें, अभी मैं आप लोग को एक और चीज समझाने वाला हूं, उसे पूरा ध्यान से सुनना। पहले आप रिवॉर्ड्स देख लो, यहां पर देख सकते हो कार्बाइन की यार क्या ही ग्लेशियर वाली स्किन है, यार काफी सही है। उसके बाद हमें ये पिस्टल की स्किन, फ्रेम सेंटिनल की स्किन एंड कुछ चार्म्स वगैरह। एंड नीचे आप देख सकते हैं कॉस्टिक की भी स्किन्स मिल रही है, तो स्किन्स तो यार काफी ज्यादा अच्छी है, मैं तो मेनली कार्बाइन लेने वाला हूं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमें ये वाली डायमंड करेंसी इस सीजन देखने को मिलने वाली है, तो ये आप लोग को कहां से मिलेगी वो बता देता हूं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये वाला जो ट्रेलर मैंने कल अपलोड किया था, यार ऑफिशियल से पहले ही कर दिया, ये तो क्या ही बात हो गई। बट यहां पर आप जैसा कि देख सकते हो ये आप लोग को जो फ्रॉस्टेड सप्लाई बॉक्सेस हैं इनके अंदर आप लोग को ये डायमंड्स देखने को मिलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, एंड इनसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर अगर आप अपने एनिमीज को भी किल करोगे तो वहां से भी आपको उनके लूट बॉक्सेस से ये वाले डायमंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो यार काफी ज़रा फन इवेंट रहने वाला है। एंड ये जो सप्लाई मतलब ये जो सप्लाईज बॉक्सेस हैं यहाँ पर फ्रॉस्टेड वाले, ये मेनली आप लोग को क्लाइमेटाइजर एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि वहां पर इन्होंने बताया था एक विंटर वॉरफेयर यहाँ पर चलने वाला है, तो यहाँ पर जो क्लाइमेटाइजर एरिया है वहां पर मेजरली पूरी बर्फ रहने वाली है। एंड जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं क्लाइमेटाइजर का एरिया यहाँ पर, इसका जो टावर है ये पूरे एरिया को यहाँ पर ठंडा रखने वाला है। जैसे कि देख भी सकते हैं पूरा खुल गया है, पूरा हवा हवा मार रहा है, तो काफी ज्यादा यहां पर मजा आने वाला है इस इवेंट को कंप्लीट करने में। एंड यहां पर एक मिस्टीरियस चीज है, जैसा कि देख सकते हो ये जो सीजनल स्टोर है ये यहां पर एंड होने वाला है 22 जुलाई को। यार ये चीज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, इस बार इन्होंने यहां पर फिर से कुछ यहां पर चेंजेस किए हैं। यहां पर हमारा बैटल पास खत्म होगा 13 जुलाई एंड ये होगा 22 जुलाई, तो चलो यार जब होगा वो तो देखा जाएगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों सर्वर्स के बारे में। हाँ मैं जानता हूं इस चीज का आप लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, तो दोस्तों मैं आप लोग को अभी बता दूं सर्वर्स के रिगार्डिंग मेरे पास एक चीज है जो कि मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूं। बट अभी मैं इतना कह सकता हूं जैसे कि आप लोगों ने पैच नोट्स में देखा, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो, इन्होंने यहां पर काफी सारा बग फिक्सेस किए हैं एंड इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं मैच मेकिंग के अंदर एंड सर्वर ऑप्टिमाइजेशंस भी इन्होंने की है। तो कल के बाद आप मुझे यार कमेंट में जरूर बताना कल की वीडियो में कि आप लोग को पिंग्स वगैरह कैसी देखने को मिल रही है, कैसा आपका गेम यहां पर चल रहा है। एंड मैं आपको बता दूं हर अपडेट के साथ गेम यहां पर ऑफ कोर्स यहां पर इंप्रूव होने वाला है।
एंड अब एक इंपॉर्टेंट चीज की बात कर ले, कई बंदे मुझे यार कई दिनों से बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो बैटल पास है वो यहाँ पर वीक 4 तक ही है, वीक 5 हमारा अभी तक खुला ही नहीं, तो हम लोग बैटल पास को कंप्लीट कैसे करें। तो आप लोग के लिए खुशखबरी आ चुकी है, वीक 5 यहाँ पर लाइव जा चुका है गेम के अंदर। सो फाइनली हमें वीक 5 के मिशंस गेम के अंदर देखने को मिल चुके हैं। एंड मैं आप लोग को अभी से अलर्ट कर दूं, सिर्फ आप लोग के पास आज का दिन है दोस्तों, हाँ सिर्फ आज का दिन है, तो जाओ इसे जाकर के जितने भी मिशन है फटाफट से कंप्लीट कर लेना। अगर आप लोगों का बैटल पास यहाँ पर मैक्स नहीं हो रहा था, कुछ लेवल्स पे अटक गया था, यहाँ पर किसी का 48 है किसी का 49 मैंने कमेंट्स देखे, तो जाओ फटाफट से जाकर के मिशंस को कंप्लीट कर लो। एंड अगर जितने भी आप लोग के पास यहाँ पर मिशंस के कार्ड बचे हुए हैं तो उनको भी यूज कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट सीजन के अंदर हमें नए मिशन कार्ड पूरे नए डिजाइन के साथ मिलने वाले हैं, तो ये वाले मिशन कार्ड पूरे एक्सपायर हो जाएंगे, तो इनको यार यूज करना मत भूलना। पता नहीं इन्होंने इतनी लेट वीक 5 क्यों दिया, पता नहीं इस बार इन्होंने बैटल पास के सिस्टम में कुछ गड़बड़ की थी, बट यार नेक्स्ट सीजन हमें 800 सिंडिकेट कॉइंस भी मिलेंगे एंड यार काफी सारा तगड़ी चीजें भी मिलेंगी। तो यार आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इस सीजन के लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यार अभी से बता दे रहा हूं, जैसे ये सीजन लाइव हो जाएगा हमें नए नए इवेंट्स की भी लीक्स यार फटाफट मिलने वाली है, उसी के साथ सीजन 2 के कंटेंट के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूं, तो मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अपने बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। जैसे बेल आइकन को क्लिक करोगे एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे यार जरूर से क्लिक कर देना, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस चैनल पे आपको एपेक्स मोबाइल की ऐसी लीक्स एंड अपकमिंग अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से कल सुबह 5:30 बजे, अपडेट आ रहा है, मैं तो 5:30 बजे उठ रहा हूं भाई, सुबह सुबह वीडियो बनाऊंगा एंड आप लोग के साथ वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए बाय फ्रॉम एपेक्स जोन।